One of the main reason behind why I started this channel is to normalize atheism in India. इसको एक गाली की तरह इस अरे ये तो नास्तिक है कि नास्तिकता बहुत स्ट्रेंज ना लगे लोगों को, कि किसी नास्तिक को लोग अपना दुश्मन ना समझें, कि किसी के बिलीव्स या फिर डिसबिलीव्स की वजह से उनसे नफरत ना की जाए, उन्हें डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। तो लोग मुझसे कहते हैं कि हम तुम्हारे अलावा किसी और एथीस्ट को जानते नहीं हैं, और जानते भी है तो बहुत कम लोगों को जानते हैं। बहुत रेयर होता है ऐसा कि किसी के ऐसे बिलीव्स हों। तो जवाब में मैं उन्हें ये कहता हूँ कि हाँ, थोड़ा रेयर तो है ये, मगर उतना रेयर नहीं है जितना आपको लगता है, क्योंकि तुम्हें ऐसे बहुत सारे लोग पता हैं, बस तुम्हें ये नहीं पता कि वो एथीस्ट हैं। हमारे कितने ही आइडल्स, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, एक्टर्स एथीस्ट हैं, बस हमें पता नहीं है। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ सम पॉपुलर पर्सनैलिटीज जिन्हें आप जानते तो हैं, मगर आप ये नहीं जानते कि वो भगवान में मानते हैं या नहीं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। आज़ाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके बारे में अब तक आपने व्हाट्सएप पर बहुत सारी अफवाहें और बहुत सारा झूठ कंज्यूम कर ही लिया होगा, मगर आज एक सच भी जान लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज एन एथीस्ट। तो हिंदुस्तान कल एक आज़ाद मुल्क तो होगा, लेकिन एक भ्रष्ट, शोषक और सांप्रदायिक समाज बनकर रह जाएगा। अरे अजय देवगन नास्तिक नहीं है। और गोपाल, ये दो कमीने हैं ना, मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़का रहे, मालूम है? शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी है, वो नास्तिक थे। उन्होंने ये वाई आई एम एन एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, नाम से एक किताब भी लिखी है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये तो आपको पता चल गया, मगर आपको जो नहीं पता चला है वो ये है कि कटप्पा का रोल प्ले करने वाले कमाल के एक्टर रंगराज सुबी ऑल्सो नोन एज सत्याराज नास्तिक हैं। अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी रैशनैलिटी का भी लोहा मनवा चुके विजय सलगांवकर। Can't you see? I can't see. I can see. जबरदस्त एक्टर विजय सेतुपति भी एथीस्ट है। I don't believe in God. क्या? शौक लगा, शौक लगा, शौक लगा, लगा। यस, हमारे फेवरेट जयकांत शिकरे, प्रकाश राज इज एन एथीस्ट। अब देखो, रैशनैलिटी तो रैशनैलिटी होती है, अब वो चाहे छोरा लावे या फिर छोरी। हारना नहीं है गीता। यस, द दंगल गर्ल फातिमा शेख इज एन एथीस्ट। हम सबकी फेवरेट चाची, चाची 420, साउथ के सुपरस्टार, एक्टिंग में वर्सटैलिटी के किंग, पद्मश्री, पद्म भूषण, मिस्टर कमल हासन इज एन एथीस्ट। डू यू बिलीव इन गॉड? नो। आमिर खान वाइफ, एक्स वाइफ, किरण राव हु प्रोड्यूस जाने तू या जाने ना, पीपली लाइफ, दंगल, लाल सिंह चड्ढा, शी इज एन एथीस्ट। देयर इज नो गॉड, सो हाउ कैन आई कंसीडर मायसेल्फ ए गॉड? गॉड इज द ग्रेटेस्ट लाई इन्वेंटेड बाय मैन। आचार्य रजनीश, ऑल्सो नोन एज ओशो, ऑल्सो नोन एज भगवान, जो कि खुद भगवान में नहीं मानते थे। अबे साले, द मैन हु ओन 93 रोल्स रॉयस वॉज एन एथीस्ट। बॉम्बे, दिल से, साथिया, युवा, गुरु, रावण और हाल ही में आई पोनियन सेल्वन जैसी मूवीज बनाने वाले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, पद्मश्री, मणिरत्नम इज एन एथीस्ट। तेंडुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंडुलकर नहीं, लेजेंडरी स्क्रीन प्ले राइटर विजय तेंडुलकर वॉज एन एथीस्ट। इंडियन एथीस्ट लिस्ट में सिर्फ इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड विनर्स ही नहीं, बल्कि नोबेल लॉरिएट भी हैं। इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर अमर्त्य सेन इज एन एथीस्ट। बाहुबली और आरआरआर जैसी ब्लॉकबस्टर और एपिक मूवीज बनाने वाले पद्मश्री, एसएस राजा मौली इज एन एथीस्ट। रंग दे बसंती, दिल्ली 6 और भाग मिल्खा भाग जैसी मूवीज के राइटर और डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा इज एन एथीस्ट। ब्रिलियंट एक्टर अकिनेनी नागेश्वर राव ANR इज एन एथीस्ट। नहीं पहचाना, अभी पहचानोगे, इनके बेटे का नाम है नागार्जुन। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मार्कंडेय काजू, जो काफी कॉन्ट्रोवर्सीज में रहते हैं अपने रिमार्क्स और कॉमेंट्स के लिए, ही इज ऑल्सो एन एथीस्ट। जॉन अब्राहम इज एन एथीस्ट। असली धूम तो यहां मचाई है भाई ने, ये ना ही कभी जंक फूड कंज्यूम करते हैं और ना ही कोई सुपरस्टिशन। But I think the most religious people are the most dangerous people. उससे तो बेहतर है कि you stay away from religion. फरहान अख्तर भी नास्तिक हैं।
उन्हें भी पता है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और हो सकता है उनकी ये आखिरी रेस हो। दौड़ूंगा भी वैसे ही। इंडियन एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर अमोल पालेकर इज एन एथीस्ट, जिन्होंने सबसे पहली वाली गोलमाल देखी होगी वो पहचानते होंगे, और इस लिस्ट के शायद सबसे खूंखार और सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल एथीस्ट पेरियार, रामास्वामी पेरियार, राजा कृष्णप्पा पेरियार, हमारे यहाँ इसे रॉकी भाई कहते हैं साहब। अपनी मूवी से इक्वालिटी का सही मतलब समझाने वाली गली बॉय और दिल धड़कने दो की डायरेक्टर जोया अख्तर इज एन एथीस्ट। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जॉली एलएलबी और जॉली एलएलबी 2 के डायरेक्टर सुभाष कपूर इज एन एथीस्ट। बॉलीवुड को रंगीला और सत्या जैसी मूवीज देने वाले राम गोपाल वर्मा इज एन एथीस्ट। टेबल नंबर 21 मूवी के हीरो एक्चुअली विलन राजीव खंडेलवाल इज एन एथीस्ट। डायरेक्टर राइटर प्रोड्यूसर आनंद गांधी हु मेड द फिल्म शिप ऑफ थीसिस इज एन एथीस्ट। एक्टर डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर रजत कपूर इज एन एथीस्ट। नमस्कार दोस्तों, फेमस यूट्यूबर विद ओवर 93 लाख ऑफ सब्सक्राइबर्स ध्रुव राठी इज एन एथीस्ट। राइटर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप इज एन एथीस्ट। सेक्रेट गेम्स, भगवान को मानते हो? गैंग्स ऑफ वासेपुर, हजरात 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 सलाम बजार, और रिटर्न्स ऑफ हनुमान जैसी मूवीज एथीस्ट ने बनाई है। इस देश का संविधान, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि 4 PhD डिग्रीज के साथ उस वक्त वहाँ के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए देश के करोड़ों लोअर कास्ट लोगों को और महिलाओं को उनका हक दिलवाया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज एन एथीस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ माई फेवरेट एथीस्ट इन द वर्ल्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड द ओनली इंडियन हु हैज़ रिसीव्ड द रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। पोएट, लिरिसिस्ट, स्क्रीन राइटर एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मिस्टर जावेद अख्तर, जो कि नास्तिक हैं मगर कृष्णा के नाम पर भजन भी लिखते हैं और राधा कैसे न जले सॉन्ग भी। ऑफकोर्स इंडिया में और भी बहुत सारे फेमस एथीस्ट हैं, जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में बताऊँगा। अब ये वीडियो आपको पसंद आए ना आए, बट आई होप कि वीडियो आपको सरप्राइज ज़रूर करेगी। तो ऐसे ही अद्भुत, अचंभित, अप्रतिम, अनावश्यक, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और मुझे कमेंट करके बताओ कि वीडियो तुम्हें लगी कैसी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।